मैंने स्प्रे ले रखा है बेटे के, स्प्रे लेने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैंने सेगमेंट कम किया। सेगमेंट कम करने का मोटिव क्या है कि भाई यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखी नहीं, यहाँ पे सब चीज़ों ने यहाँ पे ठीक है, मैंने यहाँ पे किया अनलॉकिंग करने में आसानी हुई। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे काम किया, ठीक है, यहाँ से साइड से मैंने यहाँ पे ये मैं काम करूँ। ठीक है, कितना है लाइक मुझे लगता है इतना मेरा काम कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गया फेसिस पे गए, अब यहाँ फेसिस लग करते हैं। ठीक है, आठ बजे किया स्केल कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ किया जा सकता है। मैं बेसिक अगर स्ट्रक्चर अपना देखूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया लाइक इधर से थोड़ा पॉइंटेड दे रखा है, तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और इसे मैं थोड़ा और नहीं कर दिया। ये मॉडलिंग का बेसिक फंडा क्या है कि आप इन चीज़ को समझोगे क्या कि लाइक मैं अगर चीज़ को मैं मैनेज करा भी देता हूँ, ये पार्ट होता है, ऐसा कुछ किया मैंने यहाँ पे, मैं इसको लाइक नॉर्मली को यहाँ पे ऐसे स्केल करके यहाँ पर मैनेज कर रखा है, तो एक रफली हम लोग चीज़ को मैनेज कर लेंगे। अभी ये क्या, ये अलग से मॉडल करके बना सकता हूँ और एक ही बना सकता हूँ। जैसे मैं सीलिंग बनाया था अलग से लेके बनाया, अभी इसी वजह से इसको मैं अलग इसी में बनाता हूँ, तो कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो मॉडलिंग का फंडा भी हमें समझ में आना चाहिए कि मैं अगर मॉडल कर रहा हूँ तो कैसे करूँ मैं। इसे मैं पहले मॉडलिंग लगा था, ये पार्ट देखा है यहाँ पर बेसिक से पार्ट को यहाँ पर देखा है। ये मैंने रेफरेंस सेट किया तो फिर से ये कर दिया। ठीक है, और एक पार्ट और फ्रंट में देखते हैं, ये इतना पार्ट है, फिर कितना दिख रहा है, एक और दो पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, एक और दो पार्ट यहाँ पे सेफ टाइम ग्रो करता है तो एक और दो पार्ट ये पार्ट आएगा। ठीक है, अभी इसको मैं सिंपल एक्सक्लूड कर देता हूँ। एक्सक्लूड किया मैंने यहाँ पर डब्ल्यू प्लस किया, ये मैंने सिंपल एक्सक्लूड कर दिया, एक सिंपल एक्सक्लूड होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या, यहाँ पे सेफ अगर मैं देखूँ यहाँ पे आर फॉर स्केल, अभी करने का तरीका क्या है कि लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, इस एजिस को रखा है कम, इस एजिस को रखा ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे वाला पार्ट थोड़ा मोटा करना था, मैंने यहाँ पे क्या किया स्केल कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ किया, एजिस पे गए, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है, हल्का सा स्केल करेंगे यहाँ पे, ये देखो आ रहा है। ठीक है, अभी ये शेप को मुझे दो जगह लेके जाना है, दो जगह मतलब कि लाइक मैं अगर यहाँ पे करता हूँ शेफ्ट एंड बिगल करता हूँ यहाँ पे, तो उसका साइबर फ्रिक्शन आ जाएगा यहाँ पे, और मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ऐसा कुछ किया, मुझे लगा ऊपर से थोड़ा पतला करना है, यहाँ पर सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे आर फॉर स्केल। ठीक है, इसे थोड़ा और पतला करना है यहाँ पर, मैंने बात समझे, ये पार्ट मैंने ऐसा ऑन किया यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर ये पार्ट मैंने यहाँ पे, एक बेसिक सा शेप मेरे पास यहाँ पर देखेंगे। अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैंने चीज़ को सिलेक्ट किया, ठीक है, मैं तो इस वाले पार्ट को थोड़ा मोटा करना चाहता, तो मैंने यहाँ पर क्या किया हल्का सा यूनिवर्सल स्केल कर दिया। आज मैं जो बेसिक सा शेप मैं यहाँ पर लेके बना देता हूँ, जो मुझे अगर एक्सप्रेस करना है तो मैं ऐसा कुछ बना सकता हूँ। अभी यहाँ पर बेसिक फंडा की जरूरत, ठीक है, ठीक है, मॉडल जब भी बनेगा मॉडल को यहाँ पे क्या करना, ऊपर ले जाना, ग्रिड को ऊपर रखना है मॉडल। ठीक है, अभी मैंने एक बेसिक सा शेप मैंने ऐसा बना लिया, भाई मुझे ऐसा बेसिक सा शेप चाहिए। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा ब्रॉड करना है, मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके यूनिवर्सल स्केल कर दिया, मैंने ऐसे किया जो हल्का सा ऊपर कर दिया। ठीक है, तो बेसिक सा शेप मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि मुझे एक बेसिक सा रफली शेप मुझे मिल जाएगा। ठीक है, एजिस को सॉफ्ट करना है तो कैसे करेंगे, शेप प्रेस किया, सॉफ्ट एजिस, ये सॉफ्ट एजिस आपको देखिएगा, सॉफ्ट एजिस में ये आ गया आपका। किसी को हार्ड करना है तो ये एजिस मैंने लिया स्विफ्ट एंड हार्ड एजिस, ये हार्ड में जाएगा। ठीक, आपके पास जो भी एजिस है उन एजिस को आप यहाँ पे सॉफ्ट कर लो, जैसे यहाँ पे इन एजिस को सिलेक्ट करो, स्विफ्ट एंड हार्ड एजिस, ठीक है, अभी ये पार्ट आ जाएगा। लो पॉली मॉडल में हमें हार्ड एजिस और सॉफ्ट एजिस का हम लोगों को करना क्लियर होना चाहिए। अभी ये पार्ट मैंने ऐसे सेट कर रखा है, अभी जब मैं इसे अनलॉक कर जाऊँ अनलॉक कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गए सिंपल ईवी एडिटिंग। ठीक है, अभी मैं स्पेस लिया, अभी मैं इसे क्या करता हूँ यहाँ पे कितने पार्ट को मैं अनलॉक करता हूँ, तो पहले मैं नीचे वाले पार्ट को पढ़ लिया, फ्रंट में गए फेसेस सेलेक्ट किया, कितना फेसेस मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, फेसेस सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे क्या कर सकता हूँ, कैसा मॉडल है, सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंड्रिकल ले लूँ यहाँ पर, अप्लाई कर दिया अभी, ये सिंपल सा पार्ट आपके एक ही बार में यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये पार्ट में बस यहाँ पर इसका व्यू भी सीधा है, ठीक है, ये मैं सिलेंड्रिकल आ गया। ओके, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर कोई यहाँ पे मैं दिखाऊँ ये पार्ट है, नीचे वाला पार्ट नहीं है, तो लेकिन नीचे वाला पार्ट का मैं नीट नहीं है, इस पार्ट की नीट नहीं, तो हमने डिलीट भी कर देंगे, तो फिर सिर्फ टाइम ग्रो ये डिलीट कर दिया मैंने यहाँ। ठीक है, अभी मेरे पास ऊपर वाले पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट का मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फ्रंट पे गए
अभी यहाँ से देखो ये कितना पार्ट है, अभी मैं इसको नैप करूँ या इसको पूरा नैप करूँ, करने के लिए मैं सिलेंड्रिकल से भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेथड जो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या टॉप एंड बॉटम अलग रखा हुआ है, ठीक है। टॉप एंड बॉटम के यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, इतना पार्ट सेलेक्ट किया, प्लानर कर सकता हूँ, यू में गए देन प्लानर है नीचे पे आ गया। अभी सोचो मैं बस कुछ एक्स्ट्रा सेलेक्ट होगा तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता हूँ, ये डिस्प्ले करते हैं, यही पार्ट है ना जिसको मैंने कर दिया प्लानर वो, अभी दोनों एक ही जगह पे आ गए, तो ऐसे मूव करके भी हटा सकता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं यहाँ पे अगर इतनी चीज़ों को अरेंज करूँ, सेलेक्ट किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड असाइन चेकर्स पे पता है लैम्बर्ट किया मैंने, यहाँ पे कलर पे गए, यहाँ पे मैंने नॉर्मल चेक कर लिया, ठीक है, चेक कर लिया, सिक्स प्लस करो दिखेगा यहाँ पे, देखो ये पार्ट मेरे को ऐसा दिख रहा है, चेकर मैंने दिया यहाँ पे, चेकर के पार्ट ये ऐसा आ रहा है, ये यहाँ पे नीचे ऐसा आ रहा है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले पार्ट पर, नीचे वाले पार्ट पर यू वी टू सेल, इसके स्क्वायर से आ लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर से आने, ये ध्यान रखना है कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बस यहाँ पे चलेगा, तो ये है आसान, स्क्वायर में बस प्रॉपर दिखे तो मैं यहाँ पे शूट मैनेज कर पाऊँगा, ठीक है। अभी यहाँ देखो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये भी पे गए टू सेल, ठीक है, इस पर बोले इस बार इसको समझो, यहाँ से मैं ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, बोले इस बार। अभी यहाँ पर मैं देखता हूँ सिंपल, ये देखो यहाँ पे स्ट्रेस लेता है, अनफोल्ड का ऑप्शन आता है, अनफोल्ड पे गए, अनफोल्ड किया, बहुत ही अजीब सब लोग, ये भी ध्यान है अनफोल्ड में दो ऑप्शन होते हैं, ये देखो क्लियर से कंट्रोल थ्री डी, कंट्रोल थ्री डी भी करो, अभी पहले से ठीक हुआ, देखो पहले कैसा था, कंट्रोल जेड कैसा था, अभी बेटर हुआ। इन चीज़ को मैं थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर सेलेक्ट किया टू सेल, अनफोल्ड किया मैंने, यहाँ पर बेटर हुआ। अभी इनको मुझे यहाँ पे क्या ध्यान करना है, इनको भी सेलेक्ट करके टू सेल किया मैंने, यहाँ पे चेकर्स इनको मैं इक्वली रखूँगा, मैच जो इसका दिखेगा ना, ये जो पार्ट है ना यहाँ पे, अभी यहाँ से देखो, यहाँ से दो मैं कवर करूँ, ये पार्ट यहाँ से आ रहा है, ये पार्ट यहाँ से देखो, ये देखना है अभी, अभी यहाँ पे इसके आसपास का आ रहा है क्या, मैंने यहाँ पे क्या किया आर्क को इसके ये कर सकता है, तो अभी आप यहाँ पे क्या करो, ये तो सा मैच करने, अभी मैच हो रहा है काफ़ी हद तक, इतना हो जाए तो भी काम चल जाएगा, सबको सेलेक्ट करना, ठीक है, क्या करो सेफ्ट ले आउट दे दूँ, ये आ गया। अभी मेरे पास डिपेंड क्या करेगा, मैं कैसे करने वाला हूँ, मैंने क्या किया यूबीस पे गए टू सेल किया, मैंने कहा इसका ऊपर आ जाओ, ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, कस्टमाइज़ करने के लिए देखो यहाँ पे ऐसा किया, और आपको यूवी टूल किट में भी ऐसा आता है, देखो यहाँ पे आपको कैसे करना है, यहाँ पे क्या होता है अरेंजमेंट लिया होता है क्या, यहाँ पर जब आप चेक करोगे तो आपको देखिएगा, ठीक है, कि आपके पास लाइक किस टाइप से और सेल है यहाँ पर, ठीक है, ये किस टाइप से आपको टर्न करना है, एक में रखना तो कैसे आएगा, ठीक है, कैसे अरेंज करेंगे, ये सब कुछ बाई डिफॉल्ट गिवन है क्या, आप ऐसे भी आप मैनेज कर सकते हो, यहाँ पर कुछ कुछ सिर्फ सब पे देखेंगे भाई आपको कैसे करना है, किस टाइप से करना है, लेआउट यहाँ पे किया, लेआउटिंग में आपका यू दिख रहा है, ठीक है, अनडू किया मैंने आपको, ये करो ये देखो समझ रहे, ये ऑप्शन है क्या, बस यू एंड वी, ठीक है, अलाउ करना है यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, तो इनको एक बार देखना है, यू वी टू सेल किया मैंने यहाँ पे, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैं इसे रोटेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट एंड रोटेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको अलाइनमेंट रोटेशन भी मिलेगा, यहाँ पे अलाइनमेंट है, यहाँ देखो रोटेशन आपको मिलेगा क्या, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा यूज़ करना है कि भाई मुझे अगर लाइक रोटेशन देना है तो मैं रोटेशन कैसे दे सकता हूँ, यहाँ ट्रांसफॉर्म मिलते हैं, ठीक है, लाइक यहाँ पे आगे ये रोटेशन, ठीक है, ये रोटेट कर देना, तो मैं ऐसे करके भी काम कर सकता, ठीक है। अभी मैं इनको थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, थोड़ा सा गैपिंग रखना है क्या यहाँ, और ये थोड़ा सा गैपिंग में कुछ सेल किया मैंने, हल्का सा हर जगह से मैच कर दिया मैं, अभी मैंने ऐसा कुछ किया, ठीक है, देखो अभी यहाँ पर मैंने ये क्या, ये इतना लेआउट है क्या, यहाँ पर राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पर मैं टाइलिंग नहीं बढ़ाया, यहाँ पर मैंने बाय डिफॉल्ट चेक कर लिया, यहाँ पर होता प्लेस टू बी, तो यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने कर दिया 10 10 10, ओके, ये टाइलिंग बनाना 20 कर दो, 20 करो, ये हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे सेट किया, ठीक है, मैं चीज़ को लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पर चीज़ को बढ़िया परफेक्ट मैनेज किया जा सकता है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ पे स्नैपशॉट कर दिया, ठीक है,
यहाँ पे आप चाहो तो कॉस को अगर आप बड़ा करना चाहो आपको इसके लगता है सबको इक्वली बड़ा कर सकते हो, इक्वली बड़ा करने लगता है ये पार्ट यहाँ पे क्या तो मैं ऐसे बड़ा करूँ। ओके मैंने भी यहाँ पे क्या किया ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर यहाँ पर मैंने क्लिक किया ये कैमरा वाला आइकन ठीक है यूवी स्नैपशॉट, स्नैपशॉट पे गए साइज मैं लेता हूँ लाइक मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए तो 1024 छोटे ऑब्जेक्ट के लिए छोटा बड़े ऑब्जेक्ट के लिए बड़ा यहाँ पे गया ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया हाँ यूवी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या यूवी से पता चलेगा ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया टेक्स्ट लिंक यहाँ पे था यहाँ पे मैंने क्या किया यूवी डाल दिया मैंने यहाँ पे ठीक है। अभी यहाँ पे करके अप्लाई एंड क्लोज ये हो गया ठीक है। विंडो डी पे गए यहाँ पे गए टेक्स्ट लिंक पे आ गया मेरे पास यहाँ पे ये पार्ट है ठीक है ओपन विथ फोटोशॉप। अभी यहाँ पे मैं चीज़ को देखता हूँ तो यहाँ पर समझना है क्या अगर मैं यहाँ पे किसी चीज़ को देख रहा हूँ तो मेरे पास सेव कैसा है ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे एक जो काम किया उसने पूरा एक पूरा ओवरऑल कवर कर रखा है। हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने अपने लेआउट को यहाँ पे जैसे मैनेज किया वैसे मैनेज किया कि मैंने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग कैसे मैनेज मैं छोटा बड़ा कर सकता है। अभी मैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग लिया था ठीक है। मैं यहाँ पे किया सिंपल ओपन विद फोटोशॉप पे गए कि यहाँ पर आ गए ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है चीज़ों को समझने के यहाँ पे गए ये मैंने अनलॉक किया ठीक है। मुझे यहाँ से कलर पिक करना है कलर पिक कर सकते हैं यहाँ पे मैंने कलर पिक किया ये कलर है ठीक है। अभी यहाँ पे गए सिंपल सा पार्ट ये आपको पता है आपको लॉक करना होता है एक टू लेयर लो लेयर आगे नीचे आएंगे इसको लॉक कर देना है। लॉक करने से पहले क्या करोगे स्क्रीन करोगे ठीक है। यहाँ पे आ गए यहाँ पे मैंने क्या किया एम्ब्रेस किया और यहाँ से मैंने इतना और एक्स्ट्रा एज लिया कम मत करना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहाँ पे कलर फिल किया यहाँ पे ये आ गया ठीक है। अभी यहाँ पे मैं अगर देखो यहाँ पे मेरे तो रेफरेंस है इसके पास कोई और कलर है तो मैं अभी फिलहाल में पहले कलर फिल करता हूँ ठीक है। कलर फिल कर देते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या भाई मुझे यहाँ पे जो भी कोई कलर चाहिए तो कलर के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया सिंपल सा फंडा यहाँ से मैंने ये कलर कर दिया ठीक है। एम प्रेस किया मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी यहाँ पे मुझे ये था मैंने यहाँ पे क्या किया ये सिर्फ पैसे के मैंने इसको बनाया उसको मैंने यहाँ पे अरेंज किया ठीक है। देखो कवर है कहीं यहाँ पे कवर है ठीक है। आप चाहो तो अलग लेवल पे भी कर सकते हो मैंने अलग लेवल पे लिया और मैंने कलर भी किया ठीक है। ऐसा काम कर सकते हो हम लोग यहाँ पे ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट यहाँ पे क्लिक किया कंट्रोल जे कर लिया ठीक है। और मैं यहाँ से इसको भी यहाँ पे ले आया ठीक है। कलर पिक कर लेते हैं यहाँ पे जो कलर थी मैं कलर थी से मैंने यहाँ पे कलर पिक कर लिया ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कंट्रोल एंड क्लिक किया ये आ गया ठीक है। बेसिक से मेरे पास पार्ट आ गया। अभी मुझे यहाँ पे करना क्या अगर मैं इसे सेव करके देखूँ तो क्या ये मेरा काम आता कि नहीं फाइल ठीक है ये मैंने कर दिया। अभी यहाँ आ जाओ माय गॉड सेलेक्ट किया राइट क्लिक एंड असाइन लैम्बर्ट देना लैम्बर्ट दो ब्लेंड देना ब्लेंड दो साइनिंग चाहिए तो ब्लेंड दो साइनिंग नहीं चाहिए तो लैम्बर्ट दो ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया लैम्बर्ट 3 पे गए यहाँ पे 5 पे गए और देन यहाँ पे डेस्कटॉप पे अपना फाइल है टेक्स्ट का यहाँ पे गए ठीक है और बेसिक टेक्स्ट दिए मैंने और अब यहाँ पे देखो लाइनें भी आ गई। लाइनें क्यों है क्योंकि मैंने इसको यूवी ऑफ किया ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं लेफ्ट फोटोशॉप पे यहाँ पे इसका यूवी ऑफ कर लेते हैं तो मुझे यूवी ऑफ चाहिए तो ये कंट्रोल एस करो और जाके माया में अपडेट देखो माया में अपडेट आया कि नहीं आया। तो अगर मुझे वाईफाई में दिखाना हो कहीं तो मैं ऐसे ऑन करके भी दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं वाईफाई कंट्रे में काम आ जाता है। यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे क्या किया रिलोडिंग कर दिया अभी देखो ठीक है आगे अभी इसमें देखते हैं डिटेल क्या देते हैं इसमें क्या थोड़ा सा पेंट वेंट कर लेना पेंट कैसे करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लो। अभी यहाँ पे थोड़ा सा छोटे छोटे पैचेज हैं यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट कलर के पैचेज हैं तो व्हाइट कलर पहले इसको थोड़ा सा डेप्थ देना है ऊपर का राउंड से दिखाना है तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर हल्का सा पेंट कर लेते हैं लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन होता है क्या। यहाँ पर कंट्रोल एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे किसी का लाइट कलर क्लिक किया ना हमें लाइट कलर कैसे आ गया यहाँ से लाइट किया ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे कर सकते हो बी फॉर ब्रश ब्रश लिया हमें ठीक है।
और देन आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ऑपेसिटी कम करना है तो यहाँ देखो यहाँ पर अरे जस्ट क्लिक करो यहाँ पर, तो ये आपको दोनों जब कॉल पार्ट आपको देखेगा लेकिन अभी यहाँ से मुझे तो यहाँ पे क्या करना, साइज कम किया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और लाइट ले लिया मैंने यहाँ पे, आउट ऑफ लाइट पर देखेगा यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा लाइट कर जाता, ये थोड़ा सा पार्ट और देखिए ठीक है, ऐसा करके मैं दे सकता हूँ यहाँ पे ठीक है। मुझे थोड़ा सा डार्क करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसी का थोड़ा सा डार्क किया, क्लिक किया यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डार्क किया यहाँ पे, इधर भी और इधर भी ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना, मैं कॉर्नर कॉर्नर पे ऐसे डार्क में पेंट करके ऐसे डाल दूँगा ठीक है। अब समझ लो अभी यहाँ पे बस क्या हुआ कि अभी मैं देखा था मेरे थोड़ा सा डेप्थ आया, लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे किया, यहाँ से मैंने यहाँ पे किया ठीक है, ये इस टाइप से मैं कर रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया एक दूसरा ले लो, साइज छोटा कर देना आप यहाँ पे ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से अब यहाँ पे मुझे ऑपोजिटिव फुल देने पड़े यहाँ पे, क्योंकि मुझे पूरा पार्ट चाहिए ऑपोजिटिव एंड फ्लो। यहाँ पे मैंने थोड़ा कुछ पैचेज ऐसे किए, कुछ पैचेज मेरे पास इधर से, अभी यहाँ पे मेरे पास कलर ना मुझे हार्ड वर्ड्स चाहिए यहाँ पे, हार्ड हल्का सा लेके जो साइज है एंड हार्डनेस लिटिल बिट ठीक है, कुछ इस टाइप से मुझे चाहिए। तो मैं कुछ इधर से कुछ इधर से कुछ इधर कुछ यहाँ पे रैंडमली यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइज को मैंने ऐसा कुछ कर लिया ठीक है। मैं साइज छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, कुछ इधर कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ यहाँ रफली मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेंट कर लूँगा। हाँ समझ तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा साइज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा किया यहाँ पे, ये कुछ इधर कुछ इधर ठीक है, साइज छोटा कर देंगे यहाँ पे बीफोर ब्रश, ऐसे करके मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ ठीक है। ये काम कर दिया, अभी ये पैटर्न दिया मैंने यहाँ पे, अभी इसी के अंदर यहाँ पे देखा हूँ यहाँ पे देखो यहाँ पे कलर कैसे पेंट है यहाँ पे, यहाँ पे गए सिंपल कलर आप देखते हैं यहाँ पे डार्क में, यहाँ पे मैंने क्या किया अभी इसको यूवी ऑन करके देखता हूँ यहाँ पे कैसे मुझे देना है यहाँ पे, यहाँ पे मैं देखता हूँ लाइक शेप मुझे देना है, शेप देने के लिए यहाँ पे मैं कुछ स्टेप से भी ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ पे बस ड्रॉ करें बहुत ही हार्ड आ रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे फ्लो एंड ऑपेसिटी थोड़ा सा कम किया मैंने यहाँ पे ऑपेसिटी यहाँ से, तो मैं थोड़ा यहाँ पे नॉर्मली एक लाइन से ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ। अभी ये चीज डिपेंड क्या करता है कि मैं किस पे क्या काम करने वाला हूँ, जस्ट यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा कुछ ये यूवी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर रहा हूँ ठीक है। यहाँ यूवी के अकॉर्डिंग मुझे तो साइड में मिल जाएगी राउंडनेस कहाँ पे ज़्यादा है ठीक है, कहाँ पे कैसा है ये पार्ट ऐसे दिख रहा है ठीक है, मैं लाइक ऐसे भी करके दिखा सकता हूँ ठीक है, क्योंकि मैंने साइज बड़ा कर दिया यहाँ पे ठीक है, ये साइज मैंने इस टाइप से भी दिखाया इस टाइप से दिखा, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा चाहिए यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ और अगर बारीकी से देना चाहता हूँ साइज छोटा किया मैंने, ये कुछ स्टेप से कुछ स्टेप से यहाँ से ठीक है, कुछ इधर समझ बात को ये मैं रफली कौन सा ऐसा कुछ पेंट कर सकता है, ये मैंने पेंट किया ओके। यहाँ पे मेरा काम हो गया, अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे क्या चाहिए लाइक इसी के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया जस्ट कलर यहाँ पे मैं पिक करता हूँ, कलर थीम जो हम लोग यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे वो कुछ यहाँ से हमने कॉपी किया कि भाई मुझे यहाँ से कुछ ऐसा पार्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिया ठीक है, यहाँ से डार्क कलर आप यहाँ पे ले लो यहाँ पे ठीक है ओके। ये पैटर्न देखा, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या कि मैं इस पे जाकर मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पैचेज यहाँ पे मैंने यहाँ पे कैसे छोटे छोटे पैचेज यहाँ पे कर देता हूँ ठीक है। यहाँ पे गए थोड़ा सा रैंडमली यहाँ पे ऐसा ऑपेसिटी है, ऑपेसिटी हम लोग यहाँ पे चलो ऑपेसिटी तो मैंने बढ़ाया यहाँ पे ऑपेसिटी एंड फ्लो ठीक है। यहाँ पे तो सर मैं कुछ पैचेस को ऐसे कुछ दे सकता हूँ ठीक है, रैंडमली यहाँ पे तो सर मैं सेप को दे रहा हूँ ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ काम किया है, अभी यहाँ पे डिपेंड करता है साइज छोटा बड़ा करना चाहूँ यहाँ पे तो सर कहीं देना चाहिए दे सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैंने काम किया, ये मैंने कर दिया ऑफ कंट्रोल एस एंड देन आपका जो यहाँ पे माइक माइक का पावर था आपका यहाँ पे बेसिक से स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो भाई कैसे आपने काम किया, अभी इसी को जितना अचीव करना उतना टाइम देना पड़ेगा, यहाँ देखना आपको यहाँ पे ये सब हमने देखा है भाई कैसे मुझे यहाँ पे मैनेज करना है,
चूहे को लेग के साइड से दुबिन क्यों ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर चूहे को ऐसे मैनेज करके दिखा देते हैं। टेक्सचर का टेक्सचर भी आपके यहाँ पर आएगा, क्योंकि कहाँ पर कैसा पेंटिंग में है, किस तरह से पार्ट है, तो हम चूहे को फुलफिल कर सकते हैं। ये मेरे पास यू भी हो जाएगा और ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर टेक्सचर पेंटिंग हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ब्लर है, मुझे ब्लर नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, डिलीट, ठीक है, कंट्रोल डी। अभी मैंने यहाँ पे इसको भी अलग लेयर पे लेके चलते हैं यहाँ पे, देन बी फॉर ब्रश एंड यहाँ पे जो भी मैं चीज़ मैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही लाइक साफ सा है। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ इस टाइप से पैटर्न में यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ इधर, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ कुछ टाइप से, कुछ इस टाइप से, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा सा ब्लर करूँगा, अभी लाइक छोटे छोटे पैटर्न हैं यहाँ पे, ये भी देखने के बाद हमें थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा वहाँ पर पैटर्न कैसे देखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने किया, अभी यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपल माया में आता हूँ, यहाँ पर ऐसा ठीक लग रहा है या फिर वैसा ठीक लग रहा है, ये क्रॉस चेक करना है, लोड किया मैंने यहाँ पे, यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा बेटर दिखेंगे। भाई मुझे कुछ पैटर्न में यहाँ पर स्टार्ट दे रहा था, मैंने यहाँ पर ऐसे दिखाया, तो यहाँ पर चीज़ मुझे थोड़ा सा कुछ इस टाइप से दिखेगा, और भी प्रेस करो देन यहाँ पर दिखाऊँ, भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, ठीक है।